एलसी बोर्ड है ना, हीटर ये पानी आने वाला प्रेसर है, पेनेस्ट्रिक पाइप है ना, ये टर्बाइन है, टर्बाइन बोलता है इसको, ये पुल्ली से ये पुल्ली को सपोर्ट करके घुमा के लाइन निकलता है ना। पहाड़ में बैठ के यही चढ़ाई पे चढ़ नहीं सकता हूँ मैं यार, हमारा आदत बिगड़ चुका है गाइज, क्या करें। हेलो ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल जिसी नानी ब्लॉग्स, यहाँ स्वागत है ना। मैं आज जा रहा हूँ, हमारे गांव का लाइन बिगड़ रहा है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिगड़ रहा है, उस बनाने के लिए हम माइक्रो हाइड्रो पावर पे जा रहे हैं ना। क्या हो रहा है वहाँ पर है ना, बेरिंग जा रहा है टर्बाइन का है ना, टर्बाइन के जनरेटर का बेरिंग जा रहा है, जनरेटर का बेरिंग इंस्टॉलेशन करने के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ है ना। सो कल भी गया था मैं, कल जाके मेरा काम नहीं हुआ है ना, सो आज सुबह ही जा रहा हूँ, बिहार 8 बजे लग चुका है यहाँ से है ना। सो अब ढीला ना करके हम यहाँ से निकलते हैं, अगी ने फोन करके बुलाया था जल्दी से आओ, हमारा यहाँ हमारा काम रुक चुका है, बोल रहा है अब यहाँ से निकलते हैं। आज खान पीन खाना साना भी वही देर खाएंगे है ना। सो अब यहाँ ढीला ना करके निकल लेते हैं, अब सब भी खुला है ना, ओपन है, सब में एक भाई भी है हमारे सब में ना, टकलर जिस मोटरसाइकिल वो सब, हम तो नेपाल से बिलोंग करते हैं ना। सो ढीला ना करके यहाँ से निकलते हैं, बाय। ऑल राइट गाइज, ऑल राइट, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ है ना, पावर हाउस के लिए टक का लागे है ना, अब जाके हम काम करेंगे इन द मॉर्निंग टाइम। बिहान का 8 बज चुका है, सुबह का 8 बज चुका है ना, मैं अभी टाइम देख के निकल रहा हूँ यहाँ से। सो वहाँ जाके अब काम भी करना चाहिए, वहाँ जाके एकजाना भैया की रिसीव करता हूँ, उसके बाद वहाँ से ऑफ रोडिंग करके जाऊँगा है ना, यहाँ से नुआरा तक पूरा ऑन रोडिंग है, उसके बाद सबका सब ऑफ रोडिंग है ना गाइज, सही है सही। मैं यहाँ से सब सामान सामान लेके निकल चुका हूँ, सामान तो के गन छिनो अनि एलंकी और डोरी इंची टेप लेके निकल रहा हूँ है ना, और कुछ सब कुछ सामान वहीं पर है, वहीं पर है। सो जाके अब काम करना चाहिए, टक्का लागेर है ना, सही है सही गाइज सही। लाइन ना, इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो कुछ भी काम करने नहीं मिलता है ना। सो गाइस, सो आपको भी पता है इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो कैसा परेशान होता है ना, आपको भी पता है। तो हम जाके हमारा जाके मिलेंगे आप लोग से तक्का पारा में। ऑलराइट गाइस, मैं फाइनली नुआरा आ चुका हूँ है ना, भैया के रिसीव करता हूँ, हमारा ऑपरेटर के, ऑपरेटर के रिसीव करके यहाँ से निकलता हूँ। कहाँ हो जम के? भर्खर आओ लहन सामान ए तब को हमारा ऑपरेटर है ना, ऑपरेटर के सामान आ रहा है, सामान अनलोड करके निकलेंगे रे, हम तो निकलते हैं ऑफ रोड करके है ना, अरे ऑफ रोड है, ऑफ रोड है गाइस। हमारे माइक्रो हाइड्रो पावर जाने का रास्ता सही है सही गाइस सही। अब जाके हेरेंगे अब खुलता है कि नहीं, नट में चोट लग रहा है ना, चेक नट में खुल गया तो अच्छा बात है, नहीं खुल गया तो बहुत बुरे बात हो जाएगा, क्योंकि चेक बोल नहीं खुल गया तो बेरिंग भी नहीं निकल सकते है ना, इतना बड़ा बेरिंग होता है गाइस, आप लोग को आज दिखाएंगे है ना। हमारे वीडियो में पहली बार माइक्रो हाइड्रो पावर के मेंटेनेंस का वीडियो आ रहा है ना गाइस, टक्का लागेर एक एक सुता हेर्ना पड़ता है बेल चढ़ाने के टाइम, टक्का इंची टेप से ब हम भी ढीला कर चुके हैं निकलने के लिए, ठंडी लग रहा है, हाथ में टी शर्ट भी नहीं लग रहा हूँ ना, बाहर काम करना ही पड़ता है उसमें के अंदर काम करना पड़ेगा, इसलिए मैं आज हाफ बावले में हिड़ रहा हूँ, सही सही लंबे बाल में जो हमारा स्किन डरता नहीं इसलिए से लंबा लगाते हैं घास है ना, टक्का फारा में सही सही। सब ऑफ रोडिंग रास्ता है क्या सब इस जगह पे, या सर बरसात का टाइम है ना, मौसम भी वैसे ही रास्ता भी खराब है ना गाइज, सब रास्ता खोल खोल के रास्ता में गड्ढा गड्ढा मिलता है हर जगह पे, हमारा कि इस रास्ता तो दिन के पड़ता है ना, हमको तो मालूम नहीं है, मतलब ही नहीं है, आप लोग के वैली में स्टे करता है ना,
उस लोग के लिए परेशान होता है, हमारे को तो रोजाना का ये काम है ना, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से भी इधर जाएंगे, एकदम ऑफ रोडिंग है यहाँ से भी इधर। इतना अच्छा अच्छा रास्ता है पहाड़ का है ना, हम तो इसी में इंजॉय करते, इसी में रमाते हैं गाइस। टर्निंग है देख सकते हैं कितना छोटा छोटा टर्निंग है, नए आदमी तो इस टर्निंग में काट भी नहीं सकता है बाइक को। हमको उसे ना आदत है ना इस जगह पे हिड़ने के, सो इसलिए से जैसा रास्ता में भी हम कटिंग करते हैं चलते हैं। जिसे ना ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करना चाहिए मत भूलिएगा, डू सब्सक्राइब सब्सक्राइब बोल के हैं तो सब्सक्राइब करना चाहिए ना। जिसे नवीन ब्लॉग्स को भी आप लोग का प्यारे तो हमको भी डरने का क्या बात है ना। अब यहाँ से निकलते हैं, हमारे बसंत इस जगह पे खड़े करते हैं ना। अब यहाँ से सब पैडल जाना पड़ता है कि यहाँ से पैडल है, हम पैडल लेते हैं वन फुट रास्ता ऐसा है, अब पहाड़ का रास्ता ऐसा ही मिलता है ना गाज, सो इसलिए चाहिए पहाड़ का रास्ता ऐसा ही है। मैं ये चाहिए हेलमेट माउंट में है ना, इसलिए से मैं हमारा फेस नहीं दिख रहा है। अब डायरेक्ट अब हमारा कि बोले माइक्रो हाइड्रो पावर में जाके एक वहीं जाके हेलमेट रख के आपका फेस दिखाएंगे ना। आप लोग मेरा फेस देख चुका है, क्योंकि फेस देखा है इसका रिवील करना पड़ेगा ना। नहीं नहीं ना, सही है सही। लेट्स गो पहाड़ में बैठ के यही चढ़ाई पे चढ़ नहीं सकता हूँ मैं यार, हमारा आदत बिगड़ चुका है गाइज। क्या करें, मोटे ब्लॉक छोड़ के पैडल ब्लॉक करना चाहिए क्या, आप कमेंट कर लो। मैं रोज़ पहाड़ का वीडियो बनाता हूँ पैडल इन के, आप लोग कमेंट कर गए तो वो चैलेंज भी करते हैं। अरे वहाँ अब एक माइक्रो हाइड्रो पावर में जाके मिलेंगे आप लोग से। गाइस फाइनली हमारा माइक्रो हाइड्रो पावर में मैं आ रहा हूँ ना। ये चाहे हाइड्रेशन का लाइन है, ये ट्रांसफार्मर है ना, सही है सही। ये हमारा माइक्रो हाइड्रो पावर का जीर्ण स्थिति में है ना एकदम, भित्र का ऐसा आला ऐसा है ना माइक्रो हाइड्रो पावर में क्या क्या होता है, एलसी बोर्ड है ना, हीटर है, ये चाहे पानी आने वाला प्रेशर है, पेनेस्ट्रिक पाइप है ना, ये चाहे टर्बाइन है, जैसे टर्बाइन बोलता है इसको, ऐसे ये पुल्ली से ये पुल्ली को सपोर्ट करके घुमा के लाइन निकलता है ना, और ये चाहे सब खोल के यहाँ बेरिंग लगता है ना, इधर का बेरिंग भी खोल के निकालने का यहाँ चेक बोल लगता है। सो इतना ये गाइज है ना, अब हमको टाइम लैप्स में वीडियो दिखाते हैं माइक्रो हाइड्रो पावर में ऐसे आता है ना, फाइनल में आप लोग को चला के भी दिखाएंगे कैसे चलता है कैसे काम करते हैं ना हम लोग। सो पहले टाइम लैप्स में मिलते हैं आप लोग से।
चल रहा है, इधर का फिट हो चुका है ना गाइस। अब इधर का निकालने लग रहा है, यहाँ कूलर लगा के है ना, यहाँ कूलर लगा के यहाँ खोल के अब ये बेयरिंग के निकालेंगे है ना, टकलार बेयरिंग निकालेंगे, उसके बाद इसे फिट करके वहाँ पुल्ली है इधर है ना, उसको साड़ी शाम तक बत्ती बालने का जुगाड़ लगा रहे हैं। अब क्या होता है ना, आपका लगे रहा सही सही सही। हमारे यहाँ से जनता और आ रहा है ना, आदमी आ रहा है। हाय ये चाहे जेनरेटर है ना, कितना केबी का बोलता है इसको, किधर है किधर है, 550 केजी है इस जेनरेटर का वेट। यहाँ का कितना थे कि 110 केबी है क्या जेनरेटर है, जो 110 केबी के जेनरेटर है। शाम के टाइम पे इसलिए निकालता है 100 के आसपास बिजली निकालता है इस पावर सिस्टम से, माइक्रो हाइड्रो पावर सिस्टम से ना, सबका पारा में। अब यहाँ कूलर लगा के निकाल रहे हैं भैया लोग, एकदम खोचा में है, खोच में ना, अंदर घुस रहा है, अंदर घुस रहा है, लाइट भी नहीं है ना इतना, आज मौसम भी अच्छा नहीं है ना, इसलिए चाहिए लाइट बराबर, कूलर बराबर बसे ना जो जो तल तारम ना। अच्छा नहीं है, ल निकाल के मिलेंगे बाद में। फाइनली मेट चुका है ना, और फाइनल स्टेप हो रहा है इसमें, ऐसे नीचे का नट बोल्ट फंसेंगे है ना, तो बेल्ट चेल्ट चढ़ा के सब चुप रेडी हो चुका है ना। ये चाहिए 20 सेंटी लेंथ होता है ये टाइट करने का है ना, यहाँ आप कैमरा में तो नहीं दिखेगा, ये यहाँ देखिए यहाँ तक 20 सेंटी ये चाहिए खींचना चाहिए क्या। ये चाहिए मेड इन केरला है ना, नेपाल में नहीं मैन्युफैक्चर नहीं होता ये, एक महीना ऑर्डर दे के एक महीना में बन रेडी होता है ना, यहाँ से ऑर्डर दे के बुटोल बुटोल से इंडिया जता सुखी दे के मैन्युफैक्चर करके एक महीना लगता है ना। अब भी अच्छा आ रहा है, अब ये फाइनल टेस्ट फाइनल नट बोल्ट टाइट कर रहा है बंदे लोग, पूरा बड़ी फिगर से टाइट कर रहे के छ। यहाँ भी इतना जनता आ रहा है इस जगह पे हेरने के देखने के लिए, गप चल रहा है। सो अब रेडी ओके, अब फिट करके अब चला के चेक करेंगे, उसके बाद की होगा हम आपको फिर आएंगे। बाय बाय। ऑलराइट गाइस, वाला फाइनली रेडी हो चुका है ना, कक्कलारे वीडियो लाइन ऐसे निकलता है, हमारे घर में एसी आता है ना, ऐसे पावर पड़ता है, ये पानी भरने का गेट बल है ना, यहाँ से ही लोड नहीं है, लोड खपत हो रहा है ना, ये बोलते हैं ये थ्री फेस में लाइन इतना जा रहा है, और जो चाहे फ्रिक्वेंसी है जो किलोवाट का उस नहीं चलता है ना, 220 वोल्ट हमारे घर पर जा रहा है ना। सो ये चाहे जनरेटर ऐसे और होता है, हमारे माइक्रो हाइड्रो पावर का ऐसे होता है ना, फुल फुलाट में तो आपको लोग को देख चुके हो तो आपको मालूम है, हमारा जो माइक्रो हाइड्रो पावर पे ऐसे ही चलता है, वो चाहे हीटर टैंक है ना, चाहे हीटर टैंक है। फाइनली काम खत्म होकर निकल रहा हूँ मैं अब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज है।